अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। रोहन, वाजिद को देख रही हूं, इनके पीछे भी एक कहानी है। ब्लू, लेट्स बाय दिस, ब्यूटीफुल, प्लीज। नो मिस्टर ब्लू बॉय, मुझे व्हाइट ज्यादा पसंद है। सच अ नाइस कलर, जस्ट इमेजिन इसमें ऑर्किड्स कितने प्यारे लगेंगे। प्लीज, क्या हम ये ले सकते हैं? पिछले मैंने भी लिया था तुमने, पर ये बोरिंग है। ऑर्किड्स बोरिंग लगेगी इसमें, और कॉमन है मुस्कान। कम ऑन, लेट्स गो फॉर दिस नाउ, प्लीज। ब्लू इज सच अ लाउड कलर, व्हाइट इज क्लासी। रोहन, इट्स नॉट लाउड यार। अच्छा, कलर सेंस मुझे है ना ज्यादा। हाँ, तुमने तो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया, कलर कॉम्बिनेशन में PhD जो हो तुम, है ना मिस्टर ब्लू बॉय? पेंटर कौन है? मैं तो कलर सेंस मुझे ज्यादा है ना। अच्छा, जो भी है, लेकिन कलर मैं डिसाइड करूंगी, सो इट्स व्हाइट। ओके, जस्ट कैन प्लीज ब्लू, प्लीज व्हाइट, ब्लू व्हाइट। ओके, बोथ, यस, टैग बोथ। ओके, शोए वाजिद मुस्कान कभी नहीं भूलेगी। हमारे शादी के 5 सालों ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिसमें मुस्कान ने इनमें ऑर्किड्स ना सजाया। ये सारी बातें याद दिलाऊंगा उसे। रोहन, यहाँ क्या करने आए हो? रोहन, रोहन, ये स्टोर रूम है, इधर क्या है? देखा नु, उसका मैंने गिफ्ट किया हमारी एनिवर्सरी पर। Stop it! Receive your box. ये देखो नो, सारी मुस्कान की खरीदी हुई सारी रेसिपी बॉक्स। तो हम जब भी कभी शॉपिंग जाया करते थे तो वो सीधा बुक स्टोर जाती थी ये सब खरीद के। जब भी याद है वो हमेशा कहती कपड़े और ज्वेलरी तो बाद में भी खरीदी जा सकती, अगर सपनों को सच करना है तो यही वक्त है। ये सब वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहती थी, अपने कैफे के लिए। गठबंधन नहीं है ना, सात कस्मों का रिश्ता है जो सात जन्मों का होता है, जिसमें मैं और मुस्कान जुड़ी हुई। इस बंधन में बंधे हो तनु, हमने कस्में ली थी कि 7 जन्मों तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
हमारे सुख हमारे दुख हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहे, कभी जुदा नहीं। मुस्कान तुम तो यहीं बैठे हो बेटा, थोड़ी देर में तुम्हारा संगीत शुरू होगा, जाके आराम कर लो। लेकिन जाके आराम करो, गो। You have to look pretty, ना? निताई, ये यहाँ रखे हो किसने बोला तुम्हें? मैंने बोला था। जी मैडम। झूठ बोल रहा है, मैंने कब कहा था? तारा रिलैक्स, कुछ ही देर पहले तुमने कहा था। क्या बात है, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों हो? I don't know. निताई, तुम जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। क्या बात है तारा, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों हो? बैठो, बैठो इधर। निताई, क्यों चिल्ला रही हो तुम? तो किस पे चिल्लाऊं? आपके पास तो टाइम नहीं मेरी बात सुनने के लिए। आपका बेटा मुझे आजकल लेक्चर देता है। मुस्कान के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो निताई बचा ना। तारा, तुम बात को घुमा क्यों रही? आप सब बताओ ना, बात क्या है? अभी रोहन की याददाश्त वापस आ गई। उसे पता चल गया है कि मुस्कान और वो पति पत्नी थे। याददाश्त वापस आ गई। और मैं नहीं चाहती कि मुस्कान के संगीत में आके कुछ तमाशा करे। अगर उसने मुस्कान को सब कुछ बता दिया तो हम कैसे संभालेंगे मुस्कान को? अभी तुम सारे सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर दो, कोई हमारी परमिशन के बिना अंदर नहीं आएगा। सबके नाम का लिस्ट चेक करे, कोई नहीं आएगा अंदर। रोहन की याददाश्त वापस आने का ये मतलब नहीं कि रोहन या घर पे आके तमाशा करेगा। उसके मन में कितने सवाल होंगे, उसके घर वाले सवालों का जवाब देंगे। हम शो घर वाले उसे समझा पाएंगे। सेंसिबल बॉय। काम डाउन तारा। वैसे भी तकदीर से लड़कर कोई कभी जीता नहीं है। प्लीज, एक किस्मत का भाषण मत दो मुझे। अभी आपके बेटे ने दिया है मुझे, आपसे नहीं सुनना है मुझे, प्लीज। तारा काम डाउन, काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। मॉम, मॉम आपसे पूछना था कि वो मेकअप आर्टिस्ट कितने बजे आने वाली है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना था। बेटा उसे बहुत टाइम है, आप रेस्ट कर लो। ओके। क्या वो मॉम, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, हम फाइन। गाड़ी की आवाज सुनकर आप इतना डर क्यों गए? सच बताइए मॉम, सब कुछ ठीक है कि नहीं? वो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, तो मुझे लगा वो सरप्राइज आ ना जाए, इसलिए। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगे। आई जस्ट होप कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा शौक वो रोहन यहाँ आकर हम सबको सरप्राइज ना करते। रोहन, अगर रोहन इन सभी सबूतों के साथ मुस्कान के सामने गया तो मुस्कान को भले ही कुछ याद आए ना आए, पर वो शादी जरूर रोक देगी। और अगर मुस्कान की शादी रुक गई तो रोहन मेरा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे रोहन को रोकना ही होगा। अनु, अनु, अनु दरवाजा क्यों बंद किया? अनु, अनु, अनु दरवाजा खोलो प्लीज। I'm sorry रोहन, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अनु, अनु पागल मत बनो, दरवाजा खोलो।
रोहन पागल तुम हो गए हो, मैं तुम्हें मुस्कान के पास नहीं जाने दूंगी। जो चीज चली गई वो चली गई, उसे भूल जाओ। अनु मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अनु मेरी बात सुनो प्लीज। अनु दरवाजा खोलो। रोहन प्लीज, पुराने जख्मों को कुरेदने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। सॉरी। अनु दरवाजा खोलो प्लीज। अनु दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो अनु, प्लीज दरवाजा खोलो। सॉरी रोहन। हेलो भाभी, भाभी आप प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए। मैंने रोहन को रूम में बंद कर दिया है। भाभी वो मुस्कान के पास जाने की जिद कर रहा है। प्लीज आप जल्दी घर पे आइए, कुछ मत पूछिए प्लीज भाभी। प्लीज खोल दो दरवाजा। रोहन अंदर चलो। रोहन अंदर चलो। रोहन अंदर चलो, नहीं जाना है वहां तुम्हें। क्यों नहीं जा सकते? उसकी शादी हो गई। क्योंकि मैं कह रही हूं कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अगर आपके साथ ऐसा, आपकी याददाश्त चली जाती, आपके माँ बाप आपकी शादी करवाते जबरदस्ती, तो भाई आके रोकता नहीं आपकी शादी? क्या कह रही है? मेरे साथ भी यही हो रहा है। उस खान का बॉयफ्रेंड नहीं हूं मैं, पति उसका पति। और का कैसे होने दूसरे? अगर मेरी जान को खतरा होता ना, तो तुम्हारे भैया मेरी शादी कभी नहीं रोकते। हाँ रोहन, मैं भी डॉक्टर को मिलकर आ रही, और उसने मुझसे साफ साफ कहा है कि जो हालत तुम्हारी कल हुई, अगर ऐसा कुछ मुस्कान के साथ हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मोहब्बत चाहिए मुस्कान की या उसकी जिंदगी। को ढक रहा हूं ताकि इन्हें धूप पानी और हवा कुछ न मिल सके। लेकिन पापा, ऐसे तो ये पौधे मर जाएंगे। इन पौधों के साथ ऐसे मत कीजिए। इन पौधों का दर्द तुम्हें दिखाई दे रहा है, फिर मेरे रोहन की तकलीफ तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही? उसे कसम देकर तुमने भी तो इन्हीं की तरह उसे कमरे में बंद कर रखा है। मुस्कान उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी जीने की वजह है बहू। वो उसके बगैर कैसे जी पाएगा? पापा आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि अगर रोहन इस हालत में मुस्कान के सामने जाएगा तो कान की जान भी जा सकती। ये दिमाग के डॉक्टर दिल के जज्बातों को क्या समझेंगे बहू?
जो 4 टैबलेट और 2 इंजेक्शन से लोगों की जिंदगी का फैसला करते हैं, वो क्या जाने कि प्यार वो दुआ है जिसके सामने उनकी लिखी हुई किसी भी दवाई का कोई मतलब नहीं है। पापा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू तो मुस्कान और रोहन की किस्मत से लड़ना छोड़ दो। देखो चट्टाने चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन लहरों को किनारे से टकराने से, उनसे मिलने से वो नहीं रोक पाते। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हो सकता है कि रोहन की बातों से उस काम की भी याददाश्त वापस आ जाए। हो सकता है ना बेटा? चांद उठा जमीन पर ऐसे नजारे ले, हाथों में मेहंदी, बदन पे सितारे लेकर। जुल्फों में घटा, चेहरे पर चमक, फोटो पे हंसी, आंखों में कहीं ख्वाब हमारे लेकर। चांद उठा जमीन ऐसे नजारे लेकर। हाल पढ़ लेंगे सभी के दिल का, कुछ ऐसी नजर रखते हैं, चुरा लेंगे तुमको तुम्हें से, कुछ ऐसा होना भी। Not bad, Muskan. Sheer o shayari. So beautiful. I was surprised for you. Surprise? Kaha hai surprise? Yahi kahi hoga. Lekin kaha? Kahi to hoga. माना कि हमें थोड़ी देर हो गई आने में, पर कसर नहीं छोड़ी हमने कभी दोस्ती निभाने में। तेरी धड़कन मेरी धड़कन जुदा भी है, मेरा दिल ये तेरे दिल से जुड़ा भी है। तेरी मुझसे मेरी तुझसे कोई बात हो ना हो, प्यार ने पर चुप रह कर कहा भी है। जिंदगी में आएंगी खुशियाँ, जिंदगी में आएंगे गम, फिर भी होंगे जुदा ना हम।